अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मुआशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। तुंडीगल पुलिस हदूद में गणेश जुलूस के दौरान जो लड़कों को गिरफ्तार किया गया था, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। धोनीगढ़ पुलिस हदूद खुदबुल्लापुर साई बाबा नगर 16 सितंबर को हुए वाके में तकरीबन 35 बच्चों को गिरफ्तार किया गया, जो कुछ शर पसंद नौजवानों को मस्जिद मेराज के पास देर तक बाजा बजाने और पटाखे छोड़ते रहे। उनको जल्दी वहां से गुजर जाने को कहा तो वो जिद पर अड़े रहे। मामला बहस से शुरू होकर पत्थरबाजी पर आ गया। खुदबुल्लापुर के मजलिसी इंचार्ज जनाब शहबाज खान के ऑफिस मासा टैंक पर जनाब अहमद पाशा खादरी की मौजूदगी में नौजवान बच्चों के माँ बाप ने मुलाकात की। शहबाज खान ने माँ बाप को तयकुन दिया कि जल्द ही मजलिस इस सिलसिले में बच्चों को कानूनी मदद की का तयकुन दिया। वाज रहे इस मामले की असल वजह पुलिस बताई जाती है। जब नौजवानों ने पुलिस को इस सिलसिले में जुलूस को आगे जाने की बात की तो पुलिस ने कहा कि हमारी नहीं सुन रहे हैं, तुम लोग ही आगे जाने का बताओ, जिसके बाद से यह हादसा रोनुमा हुआ। शहबाज बाबा और मोहम्मद अतीक के साथ मैं शाहिद हुसैन, क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद। गणेश जुलूस के वक्त खुदबुल्लापुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो अशरार की जानिब से मस्जिद के पास बैंड बाजा बजाया गया, उस पर वहाँ पर मौजूद चंद मुस्लिम नौजवानों और कुछ शरपंद पसंद अनासिर के दरमियान में कुछ फतराबाजी हुई। उस पर वहाँ की पुलिस जो है तकरीबन 30-35 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करी। उसके बाद जनाब अहमद पाशा खादरी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन असेंबली चार मीनार ने ACP अशोक कुमार साहब को फ़ोन किया। उसके बाद ये यकीन दिलाया गया कि जो नौजवान उसमें मुलव्वस नहीं है उन लोगों को फौरी छोड़ दिया जाएगा। उसके बावजूद भी वहाँ पर तकरीबन 15-20 नौजवानों को वहाँ पर गिरफ्तार कर रखा गया है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनकी रिहाई अमल में आएगी, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर जमात है और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में इत्तेहाद की पूरी कोशिश करेगी और वहाँ पे अमन और अमान को कायम किया जाएगा। हम चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और कमिश्नर ऑफ साइबराबाद से हम मुतालबा करते हैं कि अमन अमान को बरकरार रखने के लिए इन नौजवानों को फौरी रिहा कर दिया जाए। कल शाम जो है 9:30 बजे 16 सितंबर को गणेश जुलूस जो ना गुजर रहा था तो मस्जिद के पास आकर ज़्यादा जो ना गाना बजाना, पटाखे फोड़ना और नारे लगाना शुरू किए। तो कुछ नौजवान बच्चे थे वहाँ पर, वो लोग समझाए कि भाई ऐसा मत करो, आप लोग आगे बढ़ जाओ। तो वो बोले कि नहीं, हम ऐसे करेंगे, क्या करते कर लो। तो इसमें नौजवान बच्चों को गुस्सा आ गया और उसमें कुछ जो ना आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसमें हमारे बच्चों को भी जो ना पुलिस लेके गई। जो इसमें जो ना और भी बच्चे हैं जो हम सब परेशान हैं और उनकी रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो ना कुछ बेकसूर नौजवान बच्चे भी हैं और इधर भी इससे भी खतरा हुआ, उधर से भी खतरा हुआ। और लेकिन हमारे भी बच्चे भी 3-4 जख्मी हो गए, लेकिन दवाखाने को नहीं गए वो लोग। रात में आके जो ना घरों में सो गए, तो रात में पुलिस वाले आके जो ना लेके गए, उनकी वजह से सुबह दवाखाना भी नहीं जा सके। किस तरीके से मतलब लोग आपको बच्चों पे आप बच्चे जाके जैसा बोले, उसके बाद जो सो लोग गाली गलौज कर रहे, तो आप लोग पुलिस ऑफिसर से, पुलिस वाले जहाँ बंदोबस्त में रहते तो बंदोबस्त में जो भी पुलिस वाले थे तो उनसे आप कुछ बोले? बंदोबस्त में बहुत कम पुलिस वाले थे, 2-4 पुलिस वाले थे खाली। अगर ज़्यादा तादाद में रहती तो जो ना शायद ये नौबत नहीं आती, बहुत 2-4 पुलिस वाले होने की वजह से। और वो लोग खामोश देखते रह गए और जो ना ये लोग जो ना आपस में लड़ने लगे लोग। तो मतलब कि ऐसा हो रहा, ये ऐसा लोग ऐसा बाजा बजा रहे, थोड़ा आगे लोग करो, कुछ बोले बच्चे आपके कुछ? हाँ, बच्चे कह रहे थे कि जो ना वो ऐसे ही कुछ बोले थे वो लोग जी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन कोई भी नहीं लिए, उसके बाद ये इंसिडेंट हो गया जी। तो आपके कितने बच्चे हैं अभी तक, पुलिस वाले अब तक कितने बच्चों को ले गए आपके? 15 बच्चों को ले गए मालूम है अभी तक, 15 बच्चों को ले गए। तो अभी क्या बोले आपको पुलिस में गए तो बच्चों को क्या बोले? कि जो ना अभी नहीं मिल सकते आप लोग, शाम में 6-7 बजे आने के बाद निकल के सर्कल साहब वगैरह रहेंगे, उनसे बात करके मिलना बोल के बोले। गणेश का जुलूस निकल रहा था, बच्चे उसमें थे, शायद मरम पिटी हुई, आके बच्चे सो गए, हमको मालूम ही नहीं। जब खटका मारे घर पे आके तो हम ना उठ के बाहर निकले, बच्चे को लेके निकल गए। कितने बच्चों को लेके? हमारे घर बस्ती के 2 बच्चे, मेरा एक बच्चा है। हमारे क्या उम्र है थी बच्चों की? मेरे बच्चे के 18-20 साल का है बच्चा। क्या बोले पुलिस में गए तो आपको? माँ ने बात ही नहीं करने दे रही, लेके निकल गए खत्म। मैं जाके हमारे बच्चे को उठाई, पुलिस वाले बच्चे को लेके चले गए बोल के। अब ये लोग उठ के देखने लगे, कोई जाने नहीं दे रही, दुनिया पुलिस मस्जिद के ने ठहर गई।
बात करने नहीं दे रहे नहीं हर किस तुम जाओ मां जाओ बल्कि हटा दिए पुलिस स्टेशन में गए थे आप नहीं लोग बच्चे जाके आए गए थे पुलिस स्टेशन बच्चे सब जाके आए लेकिन क्या है पुलिस स्टेशन धुंधीगल पीएस को गए बोले तो गेट बशीराबाद लेके गए बोले जी गेट बशीराबाद के बाद से जो है ना वहाँ के इंचार्ज जो भी रहते हैं उनसे बात करें तो कोई भी आने नहीं कोई भी जो है ना सीआई साहब जब आएंगे शाम में 7-8 बजे तब आप लोगों से बात होंगी बोल के बोले और हर वो बच्चे को जो है ना जिसके भी नामा बोल रहे वहाँ पर लोकल लीडर आवा के लोगों को बच्चों को ज़बरदस्ती लेके जा रहे और घर पर हर एक घंटे दो घंटे को कोई ना कोई पुलिस वाला आ रहा इनको लेके नहीं आए तो उनको लेके आओ बल्कि हो रहा जो बच्चों को अरेस्ट कर लिए वो घरों पे जाके दूसरे नामों का बोल रहे हैं वो लोग पहचानते नहीं और तो लोग फिर भी जो है ना लोगों को तकलीफ पे तकलीफ दे रहे हैं। क्या उम्र रहती पूरे बच्चों में 18 से 22 साल के बच्चे रहते पूरे स्टूडेंट बच्चे है कोई भी काम वाले बच्चे नहीं है दो चार जिसके बिल्कुल हालात ख़राब है वो घर के बच्चे काम करते उनसे घर चलता बाकी कोई बड़े लोग नहीं थे पूरे स्टूडेंट है ऑलमोस्ट पूरे। जख्मी कितने हुए आप लोगों जख्मी 3-4 बच्चे हुए बल्कि बोले लोगों को जो है ना एमएससी कराने का भी टाइम नहीं दिया आते की रात में खाता बन के गाड़ी पे बिठा के हर दो पुलिस वाले एक बच्चे को लेके चले हाथा मन के ले गए पीछे हाथ रख लेके युवा औरतों के घरों में भी जो है ना पांच छह छह पुलिस वाले कूद के बाजफ्ता लोग को उठा के लेके गए बोलने तक नहीं दिए किसी को सुबह गए तो कहीं बात करने वाला नहीं है। हमारे घर में तो 7 जन घुसे आपके हमारे घर में 7 जन घुसे दरवाजा तोड़ के जी कितने बच्चों को लेके आए मेरा एक ही बच्चा है 7 जन घुसे आपके 7 जन घुसे आप पुलिस स्टेशन गए थे फिर जाने को नहीं दिया उन्होंने गाड़ी तक जाने नहीं दे रहे जाओ मां तुम कई बार 11 में बेच के देते 15 में बेच के देते ऐसा कुछ हो जाता है तुम्हारे रात के 2:30 बजे के बीच में लेके चले गए बच्चों को गांड कूटने के बाद में मालूम होता है ऐसा होता क्या बोले गांड कूटने के बाद में मालूम होता है ऐसा होता वैसा होता बोल के धमकी सुन दिया हम क्या वो पुलिस वाले 2 बजे जो आए थे ना पुलिस जिनको बोला ऐसा सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़ मुझे दीजिए इजाजत मैं MS अली।